हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, सरकार के 100 दिन में सभी मंत्रालयों को एक एक परियोजना लागू करने का आदेश जारी किया गया है। आम जनता को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी मंत्रालय और विभागों को ये निर्देश दिया कि वे एक एक प्रभावशाली परियोजना की पहचान करें, जिन्हें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के अंदर अंदर लागू किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने नीति आयोग की एक नई टीम भी बनाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य होंगे इस टीम के। शिवराज विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। और खबर है दोस्तों, इस साल के बजट में कृषि, रोजगार, ग्रामीण आवास पर राजस्व खर्च बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा भी 5% तक रहेगा। KRH रेटिंग्स एजेंसी की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है बजट से पहले। इस रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2024 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य घटकर 5% तक कर सकती है सरकार, मतलब है ना। और इसके अलावा दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर भी बजट से एक बड़ी खबर आ सकती है, जिससे कि देश के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेगी। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, अगले एक साल के अंदर सोना 88,450 तक जा सकता है, और इसीलिए गोल्ड ETF में आपको निवेश करना फायदा दिला सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है, क्योंकि बीते एक साल में भी गोल्ड ने लगभग 24% तक रिटर्न दिया है। और वही खबर देखिए, नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाएगी सेबी। मिनिमम 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें ज्यादा रिस्क भी होगा। ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS के बीच का होगा। बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नई मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 333 और 399 दो दिनों के अलग अलग प्लान हैं। सालाना आपको 8.5% तक ब्याज मिलेगा। इन दोनों ही प्लान की ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कल ही मैंने आपको बताया था, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भी अमृत वृष्टि स्कीम लॉन्च की गई है। ये 444 दिन की स्कीम है, इसमें भी सालाना 8.5% तक आपको ब्याज मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अब 29 जुलाई को आएगा फैसला। सिंघवी बोले कि पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 6 घंटे तक फायरिंग चली, जिसमें 12 नक्सली ढेर हो गए। सुरक्षा जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। C-60 के PSI समेत 2 जवान भी इसमें घायल हो गए। इन नक्सलियों से कई हथियार भी बरामद हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सेना और आतंकियों के बीच 2 बार और फायरिंग हुई। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, यहां कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे, तो अब ये लगातार तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। वहीं खबर है दोस्तों, ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलप बैंक की तरफ से बजट पेश होने से पहले ये नया अनुमान जारी किया गया। हालांकि IMF ने इस साल 2024 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया। कल ही मैंने आपको ये डेटा भी बताए थे ना। चलिए खबर है, NTA परीक्षा सुधार समिति को मिले 37,000 से ज्यादा सुझाव, जिसमें गड़बड़ी के मामले में स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई है। वहीं रेलवे की एक नई पहल देखिए आप, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लाया रंग। 7 साल में 84,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया इस ऑपरेशन के तहत। इंडियन रेलवे की तरफ से ये डेटा भी जारी किया गया। 2018 में रेलवे की तरफ से ये नया अभियान शुरू किया था, नन्हे फरिश्ते नाम से, है ना। और खबर है दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू एंड कश्मीर को दे राज्य का दर्जा, आतंकवाद समेत कई मामलों पर बोले अमर अब्दुल्ला। और खबर देखिए, कल ही ओमान के पास समंदर में पलट गया एक ऑयल का टैंकर, जिसमें 13 भारतीय समेत चालक दल के 16 लोग लापता हो गए। और इस घटना के बाद भारत ने तुरंत नौसेना को मदद के लिए भेजा। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि तेल टैंकर हादसे में 8 भारतीयों को बचा लिया गया है। ओमान के पास समंदर में ये पलट गया था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्ध पोत INS तेग को भेजा था। 2 दिन से ये अभियान चल रहा है, जिसमें 16 लोगों की तलाश की जा रही है, हालांकि 8 मिल चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने इस ग्रीन एनर्जी कंपनी में लगाए 24 करोड़ रुपए, और इसकी 26% हिस्सेदारी खरीद ली है। एम्पस ओमेगा सोलर की 20% से भी ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने का एक समझौता हुआ है। वहीं खबर है दोस्तों, आज गुरुवार को सुबह 10:30 बजे PM मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी, और इस बैठक में सरकार के आने वाले 100 दिनों के एजेंडे का प्लान बनाया जाएगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप पर रोल आउट हो रहा है एक नया फीचर। अब आपके फेवरेट कॉन्टेक्ट को आप अपनी व्हाट्सएप चैट की लिस्ट में टॉप पर रख पाएंगे, मतलब फेवरेट का एक अलग से कलेक्शन बना पाएंगे, है ना। अच्छा, इंस्टाग्राम में भी आपको एक नया फीचर मिलने वाला है, रील बनाने वालों को फायदा होगा देखिए नए फीचर से। दरअसल इंस्टाग्राम के इस नए फीचर का नाम है मल्टी ऑडियो ट्रैक सपोर्ट। अभी आप किसी रील पर एक ही गाना लगा सकते हो, राइट, लेकिन मल्टी ऑडियो ट्रैक इस फीचर के बाद आप एक ही रील पर अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह के ऑडियो ट्रैक जोड़ पाएंगे। मेटा की तरफ से ये नया फीचर रोल आउट किया जा रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, 12वीं पास लड़कों को हर महीने 6,000 से 10,000 रुपए मिलेंगे। इस राज्य सरकार की तरफ से लाडला भाई नाम से ये नई योजना शुरू की गई है। अभी आपको बताऊंगा, कई राज्य सरकारों ने लाडली बहना नाम से तो योजना चला रखी है, जैसे MP वगैरह में, है ना, लेकिन अब पहली बार महाराष्ट्र में ये लाडला भाई नाम से योजना का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से आषाढ़ी एकादशी के मौके पर इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे, और ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए देगी महाराष्ट्र की
एकनाथ शिंदे सरकार। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा कारखानों में अप्रेंटिसशिप करेंगे जिसके बदले उन्हें ये पैसे दिए जाएंगे। और क्योंकि अभी इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है तो इसलिए सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर भी गेम चेंजर प्लान बना रही है ना। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहले महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वगैरह में माझी लाडली बहना योजना पहले से चालू है जिसके तहत लड़कियों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। डॉक्टर बोले कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को 7% विकलांगता है जबकि नियम के मुताबिक विकलांग कोटे से सिलेक्शन के लिए कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस संबंध में ऑफिसर ने एड्रेस भी गलत बताया था। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर भी अब विवादों में गिर चुकी है ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर। ये उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, हाथरस भगदड़ मामले में सत्संगकर्ता भोले बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि ने अब एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। हाथरस हादसे के बाद पहली बार कासगंज आश्रम पहुंचा भोले बाबा और अब देखिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? और वैसे बाबा संतों को लेकर एक और बड़ा फैसला देखिए, खुद को भगवान बताने वाले संतों पर बैन लगाया जाएगा। 112 संतों को तो नोटिस भी भेजा गया है और इन्हें यूपी प्रयागराज महाकुंभ में भी एंट्री नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर कहने वालों को अलग से चिन्हित किया जाएगा। ये संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से नाराजगी जताई है। चलिए खबर है, पंजाब में गवर्नर ही रहेंगे यूनिवर्सिटी के चांसलर। राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को नहीं दी मंजूरी, स्पेशल सेशन बुलाकर पास किया था। वही देखिए, एमसीसी ने भी मेडिकल कॉलेजों से सीटों की डिटेल मांगी। 20 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग। नीट पर अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है और 20 तारीख तक इस पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। चलिए खबर है दोस्तों, उद्योगपति एलन मस्क स्पेसएक्स और एक्स कंपनी के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से टेक्सास में स्थानांतरित करेंगे क्योंकि हाल ही में कैलिफोर्निया में एक नया नियम लागू किया गया जिसके बाद ये अपने ऑफिस को वहां ट्रांसफर करेंगे। और टेक न्यूज से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। रियलमी 13 प्रो सीरीज 30 जुलाई को लॉन्च होंगे, इसमें आपको ये फीचर मिलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी M35 स्मार्टफोन 17,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर है, रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 239,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई। वहीं देखिए, भारत की पहली कूपे एसयूवी टाटा कर्व भी 19 जुलाई को आएगी और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा और अडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। हुंडई क्रेटा से इसका मुकाबला होगा। चलिए भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट पर खबर आ रही दोस्तों, पिछले 10 सालों में 30 गुना से ज्यादा बड़ा हमारा देश का रक्षा निर्यात। अभी भारत 85 से भी ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है जो कि वाकई में भारत के विकास के अच्छे संकेतों को दर्शाता है ना। और आरक्षण से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, प्राइवेट नौकरियों में लोकल लोगों को मतलब कर्नाटक राज्य के ही लोगों को अब 100% आरक्षण मिलेगा सी और डी कैटेगरी में जॉब्स के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से ये नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो सी डी में तो निजी नौकरियों में 100% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इस आरक्षण की घोषणा के बाद अब इस पर विवाद भी पैदा हो गया। सरकार ने स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देने का फैसला फिलहाल रोक दिया है क्योंकि कंपनियां बोली कि इस बिल से नुकसान होगा। यही वजह है कि प्राइवेट नौकरी में 100% आरक्षण पर कर्नाटक के सीएम ने यू टर्न लेते हुए अपना सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट कर दिया है क्योंकि उद्योगों की तरफ से भी इस पर नाराजगी जताई गई। बाकी कर्नाटक सरकार जो ये विधेयक लाने वाली है, इससे जुड़ी ये 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, आरक्षण को लेकर एक अच्छा फैसला लिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से भी। देखिए आप, हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस समेत 5 नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को ये लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, अग्निवीर युवाओं को बिना ब्याज के 5,00,000 रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार का कहना है कि जो अग्निवीर अपना खुद का काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें ये बिना ब्याज के लोन मिलेगा। काम शुरू करने के लिए शुरुआत में 5,00,000 रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। और बाकी अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा ही। पुलिस कांस्टेबल के अलावा माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ जैसी भर्तियों में सीधे 10% आरक्षण अग्निवीर युवाओं को मिलेगा। तो ये वाकई में हरियाणा सरकार के काफी अच्छे फैसले हैं आरक्षण वगैरह को लेकर है ना। और वहीं देखिए आप, जम्मू कश्मीर में भी 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर में एससी एसटी को आरक्षण दे रही है। ये कहना है बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से एक सम्मेलन में जानकारी दी गई बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से। अच्छा, महाराष्ट्र में भी देखिए दोस्तों, आरक्षण मुद्दे पर प्रकाश आंबेडकर 25 जुलाई से निकालेंगे जन यात्रा। सभी दल अपना रुख स्पष्ट करें इनका ये भी कहना है। तो कहीं पुलिस भर्ती में छूट तो कहीं और मिलेगा आरक्षण। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भी कई और लाभ मिलेंगे है ना। तो दोस्तों, अलग अलग राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और कुछ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े आरक्षण से संबंधित 5 बड़े फैसले लिए गए हाल ही में, वो कौन कौन से हैं एससी एसटी ओबीसी समेत, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो कल ही मैंने डीएलएस न्यूज पर शाम को डाला था। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको हाल ही में लिए गए आरक्षण से जुड़े सभी बड़े फैसलों की A to Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। इसका लिंक पहले मैं नीचे डाल दूंगा। और चलिए अगली खबर देखिए, यूएनजीए में बोले
बोले भारत के सैन्य सलाहकार आशीष बल्ला, उनका कहना है कि हमने शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएस में ये बयानबाजी हुई। और देखिए बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में अब 2 सप्ताह की मोहलत है, फिर नहीं दे सकेंगे जवाब। हाई कोर्ट की तरफ से पैनल का ब्यौरा भी मांगा गया। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों के और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम 2 सप्ताह का समय दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, बंगाल में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी ममता बनर्जी सरकार। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 7 सदस्यों का पैनल भी गठित किया गया। और एक रिपोर्ट देखिए, देश के 17 राज्यों के 265 जिलों की 14,000 से ज्यादा बच्चियों को बालिका वधु बनने से रोका गया, यानी कि इनकी कम उम्र में शादी करने से इनको बचाया गया। 2023-24 के दौरान का ये डेटा जारी किया एनजीओ की रिपोर्ट में। और वहीं खबर देखिए, गुजरात में सहकारिता में सहयोग को पूरे राज्य में लागू करेगी गुजरात सरकार। 2 जिलों में खुलेंगे 4 लाख नए खाते भी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये नया प्लान बताया गया। और अच्छी बात यह कि 2 जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी सफल रहा। अब गुजरात सरकार इसे सभी जिलों में लागू करने की तैयारी कर रही है। प्लान क्या है गुजरात सरकार का और क्या है सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग की पहल, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, अमेरिका में मिर्गी की दवाई बेचेगी भारत की ये दिग्गज फार्मा कंपनी। यूएस एफडीए से मिली मंजूरी। अब कल जब मार्केट खुलेगा तो इसके स्टॉक पर भी आप नजर रखें है ना। और वो कंपनी है दोस्तों ग्लेन फार्मा। ये फार्मा कंपनी, इसको यूएस में मिर्गी की दवाई बेचने की इजाजत मिल चुकी है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ। 3 नदियां उफान पर चल रही। 24 घंटों में 6 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में भी लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो गई। 9 राज्यों में आज भी अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते केरल के स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। कोलकाता और मुंबई में भी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में भी अब 19 जुलाई से बदलेगा फिर से मौसम। 35 से ज्यादा जिलों में होगी भारी बारिश। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश भोपाल हरदा में तेज बारिश हुई, बाइक समेत बहा एक युवक। पंचमढ़ी में 9 घंटे में 3.5 इंच पानी गिरा। 15 जिलों में बरसात की चेतावनी मध्य प्रदेश में। बिहार के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। नेपाल की बारिश से बेतिया, मधेपुरा, अररिया में बाढ़ का खतरा मंडराया। बगहा में कटाव रोकने के लिए जो स्टड बनाए गए वो भी धंसने लगे। राजस्थान में देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ सिरोही में तेज बारिश हुई। 31 जिलों में अभी भी अलर्ट है। उदयपुर में डूबने से 2 भाइयों की जान चली गई। इधर छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में बारिश से कई घर गिरे। बीजापुर में NH-63 में जलभराव होने से एमएलए ने लोगों को ट्रैक्टर से पार करवाया। गुजरात में भी अगले 5 दिन अब और भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में रेड अलर्ट। समुद्र किनारे 65 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलेगी। पंजाब के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जालंधर SBS में तेज बरसात की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अब धीरे धीरे मानसून पर ब्रेक लग रहा, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर बारिश हो रही है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर डूबा। सहारनपुर में हिंडन नदी भी उफान पर चल रही है। 20 जुलाई से यूपी का मौसम फिर से बदलेगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए भारत के मार्केट पर एक अच्छी खबर आ रही कि इस साल अब तक 30% चढ़ा BSE मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया, यानी कि भारत के लगभग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ रही है ऑल ओवर। और टाटा पावर पर देखिए, एन चंद्रशेखर ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा कि टाटा पावर वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ का निवेश करेगी, तो इसके भी स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। खबर है, एक साल में 24% कम हुआ एशियन पेंट्स का मुनाफा। पहली तिमाही में यह 1170 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू लगभग 2.5% गिरकर 8,969 करोड़ रहा। वहीं देखिए मिल्की मिस्ट अमूल को टक्कर देने और उत्तर भारत में विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए का IPO लाने पर भी विचार कर रही है। दक्षिण भारत की डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी है ये मिल्की मिस्ट। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हुंडई कंपनी ने एक नई सर्विस शुरू की है, चलता फिरता अस्पताल। नागपुर और औरंगाबाद में फिलहाल यह सर्विस मिलेगी। ये एम्बुलेंस नहीं है बल्कि मोबाइल चिकित्सा सर्विस है, समझ रहे हो। वहीं देखिए मुंबई को मिलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, पहली भूमिगत लाइन 24 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया। कर्जदारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल आदेश यह है कि अब डिफॉल्टर या फ्रॉड के तौर पर कर्जदार को कैटेगराइज करने से पहले अब बैंकों को उनको पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी लोन के डिफॉल्टर को लेकर कुछ फैसला सुनाया था, तो उसको आखिरकार RBI ने मान लिया है। चलिए अगली खबर देखिए, PM मोदी जल्द करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन। गुजरात के जल संसाधन मंत्री ने कहा, MP की सिंचाई परियोजनाओं को भी लागू करेंगे। वही खबर है दोस्तों, DLED अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर दखल से इनकार। BEd टीचरों की नियुक्ति की गई है रद्द। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर के पद पर ये मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल। और वही खबर है, छत्तीसगढ़ में जल्द ही शुरू होंगे 4 नए रेल प्रोजेक्ट भी। रायगढ़ से जुड़ेगा नवा रायपुर, जसपुर, अंबिकापुर और रावघाट में रेलवे विस्तारीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रेल मंत्री से मुलाकात हुई और इन अहम रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। और छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट, छात्र छात्राओं, युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए BA स्टूडेंट करेंगे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। इसी सत्र से एडमिशन भी शुरू होने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को भी एजुकेशन कोर्स सिलेबस में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कॉलेज से यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत होने जा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में एजुकेशन वॉलंटियर्स देंगे मुख्यमंत्री आवास पर धरना। बोले कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कार्य
करेले 9 से 12 महीने करने की मांग की है। वहीं हरियाणा में किसानों का भी प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, कार्यक्रम को अनुचित बताया। संभू बॉर्डर पर वाटर कैनन बाय को भी सम्मानित किया गया। और खबर है चंडीगढ़ में अगले महीने 4 अगस्त को फिर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 3 कानून के लिए बने सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर अपडेट आ रहा, 22 जुलाई से बदल जाएंगे रास्ते। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में चलने वाले भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप, यूपी गाजियाबाद पुलिस की तरफ से क्या ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। और ये कुछ ट्रैफिक पुलिस के फोन नंबर की लिस्ट भी जारी की गई है। वहीं किन किन रूट पर नहीं चलेंगे वाहन, ये लिस्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान इन इन रूट्स पर वाहनों का संचालन नहीं होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब इन दो मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी चेक इन की सुविधा। नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर अब यात्रियों को ये चेक इन फैसिलिटी भी मिलेगी। चलिए खबर देखिए, कजाकिस्तान में 35वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भारत का जलवा देखने को मिला। इस प्रोग्राम में भारत से एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। ये देख सकते हैं आप इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल भी। और टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल ने ओला उबर को टक्कर देने वाले भारतीय ओपन सोर्स ऐप नम्मा यात्री में निवेश किया, तकरीबन $11 मिलियन का निवेश किया रिपोर्ट के मुताबिक। वही देखिए, इरिडा नेपाल में 900 मेगावाट की परियोजना में 290 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, कंपनी की तरफ से यह बयान दिया गया। चलिए खबर है, नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक फर्राटा भरती जाएगी ट्रेन, न आउटर पर रोकने की पड़ेगी जरूरत, नहीं देनी होगी क्रॉसिंग। इंडियन रेलवे की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा है। दिल्ली से जम्मू तक रेलवे ट्रैक लगभग 600 किलोमीटर लंबा है और ये रेल लाइन बिछाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत होगी। आज 18 जुलाई से 31 अगस्त तक डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों और लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए ये आज से नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है। देख सकते हैं इस संबंध में उन्होंने ट्वीट भी किया, राजस्व महाअभियान 2.0, और इस अभियान के तहत काफी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने मध्य अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय प्राधिकरण से आग्रह भी किया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात में बड़ा चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, अब तक 15 लोगों के बच्चों की जान चली गई मतलब, और 27 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की तरफ से गुजरात में तकरीबन 8,500 से भी ज्यादा घरों और 47,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग भी करवाई गई है। और अब राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये चांदीपुरा वायरस गुजरात और राजस्थान में फैलने के बाद अब देश भर में हड़कंप समझ गया। देश की सभी हेल्थ एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। मैं आपको लगातार इसके अपडेट बता रहा हूं रोजाना कि कितना खतरनाक है ये वायरस और इसके क्या कुछ लक्षण है। कल भी मैंने आपको DLS न्यूज पर बताए थे, है ना। तो आप भी अपने बच्चे बच्चों को लेकर सावधान रहें दोस्तों और सतर्क रहें। चलिए अगला अपडेट है, कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम भी लागू कर दिया गया है। अब ढाबा और होटल संचालकों को बाहर नाम लिखना जरूरी हुआ। लापरवाही बरतने पर हजारों के चालान भी काटे जाएंगे। 22 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है और इससे पहले यूपी पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में अब यहां 24 घंटे खुली रहेगी शराब की दुकान। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब लोगों को 24 घंटे शराब मिल सकेगी। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में खेतों पर बनेंगे सोलर फार्म स्टेशन, किसान सिंचाई के अलावा इनके जरिए धान मिल वगैरह भी चला पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये नई पहल की जा रही, खेतों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए मतलब, है ना। और दंतेवाड़ा में इसके सफल प्रयोग भी हुए हैं, कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, आप घर बैठे आप शराब ऑर्डर भी कर पाएंगे। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और बिग बास्केट जल्द ही इनकी होम डिलीवरी सर्विस भी शुरू करेंगे। कुछ राज्यों से इसकी शुरुआत होने जा रही, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और गोवा जैसे राज्यों में जल्द ही शराब की होम डिलीवरी शुरू होने वाली है। और यूपी में देखिए दोस्तों, एक नया नियम लागू हो चुका है, टीचर भी अब कक्षाओं में जूते पहनकर एंट्री नहीं कर पाएंगे। और महिला अध्यापकों को कहना होगा दीदी, जो स्कूल में मैडम टीचर होंगी ना उनको बहन जी या दीदी कहेंगे अब स्टूडेंट, और छात्रों को भैया कहेगी छात्राएं भी। ऐसे उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और टीचर को भी सर नहीं बल्कि गुरुजी कहेंगे पुरुष शिक्षकों को, है ना। वहीं शिक्षकों के स्कूल में जींस पहनने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये कुछ यूपी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं ऑनलाइन हाजिरी को कैंसिल करने के साथ ही। चलिए अगली खबर है, दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल लेने वाले यात्रियों के लिए भी जरूरी खबर। DMRC की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। DMRC ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में उसी राज्यों की आबकारी नीति के नियम लागू रहेंगे जिस शहर में आप सफर कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली, अगर आप यूपी में हैं तो यूपी, और हरियाणा में तो हरियाणा के नियम लागू रहेंगे, फिर चाहे आपने शराब कहीं से भी ली हो। जैसे अभी दिल्ली मेट्रो में पहले 2 शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति थी, लेकिन अब नियम बदल चुका है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से कुछ जगहों पर 1 बोतल ले जाने की ही अनुमति है। चलिए UPPCL का फैसला देखिए, उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देगी यूपी सरकार। योजना का लाभ दिलाने के लिए गांव-गांव पहुंचेंगे अधिकारी भी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना जरूरी होगा। किसान उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना में पंजीकरण की अंतिम तारीख को सरकार ने 31 जुलाई तक
बढ़ा दिया। अभी इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई ही थी। अभी तक 5 लाख किसान इस योजना का फायदा ले चुके हैं। आप भी अगर फायदा लेना चाहते हैं तो यूपी सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या आप अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर के जरिए भी किसान भाई लोग इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनी गले की फांस, लाभान्वित नहीं भर रहे किस्तें, एनपीए 1500 करोड़ के पार पहुंचा। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना को लेकर ये खुलासा सामने आ रहा। एमपी में 3 लाख से ज्यादा लाभार्थी अपनी लोन की किस्त नहीं भर रहे हैं। योजना का एनपीए बढ़कर 54% हुआ। सरकार ने अब बैंकों से ही इसका समाधान भी मांगा है। और यूपी में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप। शुभचिंतक बनी योगी सरकार, मंडियों में फसलों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। प्रदेश भर में कोल्ड रूम बनाए जाएंगे इसके लिए, ताकि किसानों की फसलें सब्जियां वगैरह खराब ना हो, है ना। और बाकी योगी सरकार ने एक फैसला ये भी लिया था, मैंने आपको बताया था, हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने के बाद अब योगी सरकार ने एक और तोहफा दिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी गाड़ियों पर साल 2027 तक सब्सिडी मिलती रहेगी। 5 साल तक ये सब्सिडी योजना को बढ़ा दिया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली, लेकिन इन भर्तियों के लिए 25,000 कैंडिडेट पहुंचे। हालात ये हुए कि मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थितियां बन गई। लोडर की पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू थे, लेकिन बेरोजगार युवाओं की मजबूरी देखिए जरा। बेरोजगारी का आलम क्या चल रहा हमारे देश में। सरकार को जरूर बजट में रोजगार पर काम करना चाहिए, राइट? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट में बताइए यस डीएलएस भाई। और बजट में सरकार से आप क्या क्या चाहते हैं, कोई अहम मुद्दा भी आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 23 सितंबर से आरक्षक फिजिकल टेस्ट का आयोजन होगा। 7411 पदों के लिए कराई जाएगी लंबी कूद, गोला फेंक वगैरह, 800 मीटर दौड़ भी होगी। ये अलग अलग जिलों की लोकेशन डिटेल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती भी निकली है, जिसमें 31 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। बोनस अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई गई। और खबर है, पंजाब में आज से 5वीं और 8वीं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। पीएसएबी की तरफ से शेड्यूल भी जारी किया गया। 18 सितंबर तक आप बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं, ना? और वहीं देखिए, दिल्ली में यूपीएससी की फ्री कोचिंग भी शुरू हो चुकी है। हर महीने छात्रवृत्ति भी देगी सरकार और इनके लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जिसके लिए युवा इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा पर भी अपडेट आ रहा। कांवड़ यात्रा के बाद लिखित परीक्षा होने के आसार है। 60,244 पदों पर होनी है सीधी भर्ती। वहीं एक और खबर है, 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी 22,000 महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूजीसी के नेतृत्व में अलग अलग तरह की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद और अलग अलग तरह की भाषाओं में अनुवाद आपको मिल पाएगा। और यूजीसी की तरफ से एक गाइडलाइन ये भी जारी की गई है, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंटीन में आपको कचौरी, समोसा, तेलीय चीजें नहीं मिलेगी, बल्कि हेल्दी फूड देने के निर्देश जारी किए हैं सभी विश्वविद्यालयों को। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आप मिथुन राशि के लोग नई ऊर्जा के साथ नई बातों पर ध्यान दें। सिंह राशि के लोगों के काम की गति थोड़ी आज धीमी रहेगी। मेष राशि के लोगों को नौकरी में स्पेशल जिम्मेदारी मिलेगी और वृष राशि के लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर भी मिल सकता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार की तरफ से लाडला भाई योजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान, इनमें से कौन से राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की है। मैंने आपको आज ही खबरों में अपडेट बताया है इसका। अगर आप डेली रोजाना खबरें देखते हो तो करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको याद होगा ये चीज। कमेंट करके लिखिए, सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।